मेरा नाम तुषार है और किसको देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो उसके लिए मेरे हिसाब से आई एम मोदी सपोर्टर, तो ऑब्वियसली मोदी। और मेरा सबसे पहला वोट जो मैंने दिया है वो भी मैंने भाजपा को ही दिया है। और बेसिकली मैं मोदी को इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि इनकी आइडियोलॉजीज़ और उनकी बातें ना तो कोरी है ना फेक है, एकदम स्ट्रेट टू दी पॉइंट है। लोगों के पास उनके ऊपर पॉइंट उठाने के लिए सिर्फ एक पॉइंट है, गुजरात में जो दंगे हुए थे, और उन गुजरात के दंगों को भी आज तक वो जस्टिफाई नहीं कर पाए। और जो मोदी की आइडियोलॉजी है, जैसे कि उन्होंने गुजरात में इतना काम किया, कुछ लोग कहते हैं गुजरात एक स्टेट थी वो पूरी कंट्री को नहीं संभाल सकता, लेकिन एक बंदे को छोटे प्लेटफॉर्म से ही बड़े प्लेटफॉर्म पे ले जाया जाता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि उसने अपने स्टेट में कितना काम किया है। एशिया की सबसे बड़ी विंड मिल फार्म गुजरात के अंदर है, सोलर पैनल फार्म्स गुजरात के अंदर है। गुजरात के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सबसे कम जाती है, हालांकि इलेक्ट्रिसिटी के दर दिल्ली से थोड़े ज़्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की कट ऑफ सबसे ज़्यादा कम है। वाटर सप्लाई सबसे अच्छी है, वहाँ की रिवर्स सबसे ज़्यादा क्लीन है। यहाँ तक कि उस रिवर जो यमुना में यहाँ पर अराउंड 250 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, लेकिन वहाँ साबरमती रिवर को साफ करने के लिए 10.5 करोड़ खर्च हुए थे, जिसमें पूरा स्टाफ इंडियन था। और यहाँ पर बेल्जियम से यूरेशियन कंट्रीज से भी डेलीगेट्स को बुला के भी हम यमुना को साफ नहीं करा पाए। तो दैट्स व्हाट आई सपोर्ट मोदी, और उनके काम को देख के मैं सपोर्ट करता हूँ।